बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, क्योंकि यहां पर भी आज मतदान हो रहा है। यहां पर 4 सीटों पर वोटिंग हो रही है, जिसमें मंडी, कांगड़ा, शिमला, हमीरपुर। दिलचस्प है मंडी की सीट, जहां पर मुकाबला है कंगना रनौत वर्सेस विक्रमादित्य सिंह, जो कि वीरभद्र सिंह के बेटे हैं। आपने देखा होगा कि इस बार बड़ी भूमिका उनकी रही जब विधानसभा चुनाव भी थे। सुखविंदर सिंह सुक्खू को आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं वहां के, वो भी अपना वोट डालने पहुंचे हैं। हिमाचल प्रदेश में मतदाताओं ने काफी उत्साह दिखाया, सबसे ज्यादा वोटिंग यहीं पर हो रही है। आइए आपको सुना देते हैं क्या कह रहे हैं। और आपने पहले देखा होगा कि हिमाचल में भी अब जो है धर्म के आधार पर भी राजनीति की जा रही है, वोट मांगे जा रहे हैं। नहीं देखिए, हिमाचल में धर्म की राजनीति ज्यादा इसलिए नहीं चलती है क्योंकि हिमाचल में तो सभी लोग देवी देवताओं के पुजारी हैं। हर गांव का अपना देवता है, यहाँ पेड़ पौधों से लेकर सभी चीजों को पूजा जाता है। तो पूजा तो उनके परिवार में पहले भी करती हुई कंगना रनौत पूजा कर रही, अच्छी बात है। अपनी जीत के लिए जो भी चुनाव में वोट डालने जाता है वो अपने लिए प्रार्थना करता है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। पर उनकी रैलीज में लगातार भीड़ भी जुटी है। आपने हमारी रैलीज नहीं देखी फिर? मैं तो नहीं ना, हमारी रैलीज भी आपने देखनी थी। जब जनता चुनाव लड़ रही है, हम तो उस जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जनता ने लोकतंत्र को बचाना है, अपने वोट की अहमियत को बनाना है। ये वो चुनाव है जिसमें हिमाचल प्रदेश में पहली बार लोग ये महसूस कर रहे हैं कि अगर इस तरह विधायक राजनीतिक मंडी में बिकते रहे, कोई भी पार्टी ताकतवर हो जाए और विधायकों को खींचने का षड्यंत्र करते रहे ताकि भविष्य में इस प्रकार की राजनीति ना हो। और जनता, मैं आपको बताऊं, इस तरफ आगे बढ़ चुकी है और 4 जून को आपने मुझसे जरूर मिलना। मंडी में राजा होगा क्या, मंडी की रानी हो? देखिए, जनता ही प्रजा है, ये तो आपके स्टैंडिंग वर्ड्स होते हैं जो आप इनको लड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोकतंत्र में जनता ही प्रजा है। तो और जो उम्मीदवार होता है वो भी प्रजा का एक भाग होता है। नहीं, अब ईवीएम में जो कई बार टेक्निकली खराब हो जाता है, लेकिन उसके बाद वो दूसरी ईवीएम रखते हैं। अब ये है कि ईवीएम की प्रोग्रामिंग में खराबी नहीं होनी चाहिए, जब काउंटिंग के समय ना वो बटन दबाते हैं। 4 में से कितनी सीटें आएंगी और 6 में से कितनी? भाई 10 सीटें जनता लड़ रही है, जनता जीतेगी। चलिए ठीक है। और सुखविंदर सुक्खू यहाँ पे बात करते हुए, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू को आप देख रहे थे, मुख्यमंत्री वो मने, हालांकि विक्रमादित्य सिंह की नाराजगी बताई जा रही थी और फिर जो विधायकों के खरीद फरोख्त का आरोप उनकी तरफ से लगा था, इन सब पर वो चर्चा कर रहे थे। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें हैं जहां पर अनुराग ठाकुर भी हमीरपुर से चुनावी मैदान में है, मंडी से कंगना रनौत, प्रेम कुमार धूमल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जेपी नड्डा भी वहां पर अपना वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। अनुराग ठाकुर ने वोट डालने के बाद क्या कहा, सुनिए। पहली बात तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का, अमित भाई का, सबका आभारी हूं जिन्होंने मुझ पर एक बार फिर विश्वास व्यक्त किया है और पार्टी से 5वीं बार टिकट दी है। 4 बार हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता ने अपना आशीर्वाद दिया, हर बार लीड को बढ़ाया और पार्टी ने मुझे संगठन से लेकर सरकार तक काम करने का अवसर दिया। प्राथमिकता है सांसद बनना, हमीरपुर हिमाचल प्रदेश का विकास करना और मुझे पूर्ण विश्वास है लोग इस बार फिर अपना आशीर्वाद देंगे और हमने जो पहले किया उससे बेहतर अब की बार करते हैं। पहले तो कह रहे थे कि हिमाचल में 4 की 4 हैं जो बीजेपी के खेमे में हैं, पर इस बार ऐसा लग रहा है कि कहीं तगड़ी लड़ाई है, खासतौर पे शिमला या मंडी की सीट की बात करें, किस तरह से देख रहे हैं? और क्योंकि 6 बाईपोल्स भी हैं, उसके बारे में अटकलें लगती रहती हैं, पहले भी लगी, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा हम आश्वस्त हैं 4 की 4 लोकसभा, 6 की 6 विधानसभा, यानी कि चौका छक्का लगाने के लिए। कांग्रेस को इस बार कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं और उनका जो निर्णय है एग्जिट पोल में नहीं जाने का, कैसे देखते हैं? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है, देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल आज चुनावी नतीजों से भाग रहा है, चर्चा से भाग रहा है, पर कल आएंगे ठीकरा फोड़ने का काम करेंगे ईवीएम पर, इलेक्शन कमीशन पर, लोगों पर। मुझे लगता है वो 2 बार हारने के बाद अब जब 3री हार स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है।